गई जान, अब तक 4,34,00,000 से ज्यादा लोगों की हुई टेस्टिंग। बड़े कोरोना मरीज, बीते 24 घंटे में मिले 7,120 नए संक्रमित, 118 लोगों की गई जान। राजधानी देहरादून में मिले 2,200 से ज्यादा मरीज। उत्तराखंड के देवप्रयाग में बादल फटने से तबाही, आईटीआई की इमारत जमींदोज, आधा दर्जन से ज्यादा दुकानें तबाह, 3 अलग अलग जगह पर फटा बादल। गौतम बुद्ध नगर में बढ़ा कोरोना का संक्रमण, प्रदेश के टॉप 3 संक्रमित शहरों में शामिल हुआ गौतम बुद्ध नगर। 24 घंटे में मिले 1,229 नए कोरोना मरीज। नोएडा के सेक्टर 62 में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार, आरोपियों से अवैध हथियार बरामद। अयोध्या में कोरोना काल में भी रामकाज पर नहीं लगा ब्रेक, कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए मंदिर निर्माण का काम लगातार जारी। गोंडा में राप्ती सागर एक्सप्रेस के एसी कोच में एक्सल में आग लगने से उठा धुआं, यात्रियों ने ट्रेन रुकवाई, ग्रामीणों की मदद से आग पर पाया गया काबू। प्रयागराज में स्थगित की गई यूपीटीईटी की परीक्षा, तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण की वजह से लिया गया फैसला। उत्तराखंड पंचायती राज विभाग की ओर से मुख्यमंत्री राहत कोष में 1,51,00,000 की धनराशि चेक के जरिए सीएम तीरथ सिंह रावत को सौंपी गई। रुद्रप्रयाग में वैक्सीनेशन को लेकर लापरवाही का मामला आया सामने, बिना रजिस्ट्रेशन 120 लोगों को लगाई गई वैक्सीन। हरिद्वार में पुलिस ने किया एंटीबॉडी टेस्ट कैंप का आयोजन, कोरोना से ठीक हुए सैकड़ों पुलिसकर्मियों ने कराया अपना एंटीबॉडी टेस्ट। संभल में एसपी सांसद शफरी कुरे रहमान बुरके की चिट्ठी का दिखा असर, प्रशासन ने होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के दिए आदेश। कानपुर में कोविड मरीजों के इलाज में हो रही लापरवाही, नारायणा मेडिकल कॉलेज का वीडियो हो रहा वायरल, ऑक्सीजन के लिए तड़पते दिखे मरीज। पीलभीत में बीजेपी सांसद वरुण गांधी की कोविड मरीजों के लिए पहल, निजी खर्चे पर मंगवाए 115 ऑक्सीजन सिलेंडर। ललितपुर में से शराब के नशे में युवक ने जमकर काटा बवाल, अपने ही बाइक को किया आग के हवाले, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फरुखाबाद में 200 रुपये में बनाई जा रही फर्जी कोरोना रिपोर्ट, वायरल वीडियो से हुआ खुलासा, डीएम ने जांच के दिया आदेश। चंदौली में कमिश्नर दीपक अग्रवाल के दौरे से खुली अधिकारियों की पोल, सर्वे में लापरवाही बरतने पर सीएमओ को लगाई फटकार। मथुरा में अधिकारियों पर बढ़ के ऊर्जा मंत्री, निरीक्षण के दौरान कोविड सेंटरों में मिली थी खामियां। महोबा में भीड़ ने दरोगा को पीटा, नशे में धुत दरोगा ने चाय वाले से की थी बदसलूकी। मर्डर के अभियुक्त की बरामदगी के लिए महाराष्ट्र से गाजियाबाद आई पुलिस पर लोगों ने किया हमला, मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। वाराणसी में कोरोना से ठीक हो चुके लोगों को ब्लैक फंगस बीमारी, पिछले 10 दिन में 15 से 20 मरीज मिले। देहरादून में सीएम तीरथ ने की हीरो मोटोकॉर्प ग्रुप और बालाजी एक्शन बिल्डवेल के पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक। वैक्सीनेशन के बाद मिलने वाले सर्टिफिकेट को सोशल मीडिया पर शेयर करने को लेकर वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ने किया ट्वीट, कहा ऐसा करने से ऑनलाइन ठगी का शिकार हो सकते हैं लोग। प्रयागराज में पूर्व विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अनुग्रह नारायण सिंह का फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर उनके परिचितों से रुपये मांगने का आरोप। बहराइच में 40 कैन बियर की खेप के साथ शराब तस्कर गिरफ्तार। बहराइच में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस हुई सख्त, चौराहे पर 5 बार उठक बैठक कराकर सिखाया सबक। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में अक्षय तृतीया पर दर्शन नहीं कर सकेंगे श्रद्धालु, कोरोना के चलते लगाई गई रोक। बंगाल चुनाव के दौरान हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे राज्यपाल जगदीप धनखड़, 13 मई को बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से करेंगे दौरा। मराठा आरक्षण को लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिले महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर आरक्षण की मांग की। रूस के कजान शहर के स्कूल में हमला, 2 हमलावरों ने स्कूल में अंधाधुंध फायरिंग की।